बड़ी खबर आ रही है, गीतकार जावेद अख्तर को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। अख्तर ने मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। अख्तर के मुताबिक पिछले एक महीने से एक अज्ञात शख्स उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर रहा है, उनको धमकी दे रहा है फोन पर, और इसके लिए अब उन्होंने जाकर शिकायत दर्ज की है पुलिस जुहू स्टेशन पर। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता सत्यप्रकाश से। सत्यप्रकाश, क्या है पूरी जानकारी? मैत्री, ये गीतकार जावेद अख्तर को एक महीने से ज्यादा वक्त से लगातार फोन आ रहे हैं, एक नंबर से ही, अलग अलग नंबरों से आ रहे हैं। गीतकार जावेद अख्तर ने जब एक नंबर को बंद करने की कोशिश किया तो दूसरे नंबर से आ रहे थे, परेशान हो गए। आखिर में उन्होंने जो पुलिस स्टेशन मामला शिकायत दर्ज कराई है, लिखित शिकायत दर्ज कराई है उन्होंने, और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सत्यप्रकाश, आखिर इस धमकी में कहा क्या जा रहा है? मैत्री, फिलहाल पुलिस अभी ज्यादा जानकारी नहीं दे रही, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि जो फोन किए जा रहे हैं वो बिहार के नंबर मिल रहे हैं। पुलिस जानकारी दे रही है कि बिहार से नंबर, अलग अलग नंबरों से फोन आ रहे हैं और उनसे काम करने की बात की जा रही है, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा। पुलिस अभी कुछ जांच कर रही है तो ज्यादा नहीं बता रहे, लेकिन ये कह रही है कि लगातार उनको धमकी मिल रहा था, इसीलिए कल जावेद अख्तर ने एक लिखित शिकायत दी है। हम पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश पूरी जानकारी देने के लिए। तो मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में जावेद अख्तर ने शिकायत दर्ज की है। उनका कहना है कि पिछले एक महीने से अलग अलग फोन नंबर से उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं और वो इससे काफी परेशान है।